जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है हाथ की फिंगर्स और पैर की फिंगर्स में, यानी आपकी उंगलियों में कौन कौन से पॉइंट मिल सकते हैं आर्मी के मेडिकल में, एस एस जी डी के मेडिकल में, आरपीएफ कॉन्स्टेबल के मेडिकल में, या दिल्ली पुलिस के मेडिकल में। मेडिकल में जो उंगलियों के जो पॉइंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही तैयारी करना बंद कर देते हैं अपनी उंगली को देखे, जबकि उनको नहीं पता कई कंडीशन में आपके मेडिकल पॉइंट नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए आप मेरी उंगली देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार का कट लगा हुआ होगा उंगली के और वो तैयारी करना बंद कर सकते हैं, जबकि आप सभी को पता है कि मैं मेडिकली फिट हूं और प्रेजेंट टाइम में फोर्स में हूं। तो ये आप देख सकते हो उदाहरण के लिए आपके लिए। कई बच्चों के टीथ में भी प्रॉब्लम आती है, तो नेक्स्ट वीडियो टीथ पे रहेगा। आज का जो वीडियो हुआ किस पे, उंगलियों पे आपकी फिंगर्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल के समय और किस चीज को आप ठीक करा सकते हो। साथ ही एक बात और बताओ दोस्तों, हमारी अकेडमी है कमांडो अकेडमी, नागौर राजस्थान कुचामन सिटी में आवासीय अकेडमी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 15 जुलाई से 25 जुलाई तक हमारे एडमिशन ओपन है, आप आके अपने एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों अकेडमी का जो एड्रेस है वो कुचामन सिटी में, नेवी एयरफोर्स आर्मी एस एस जी डी आरपीएफ कॉन्स्टेबल दिल्ली पुलिस हर एक एग्जाम की आपको यहाँ पर तैयारी की जाएगी आवासीय सुविधाओं के साथ, और एस एस जी डी नेवी एयरफोर्स के गारंटी बैच यहाँ पर चलते हैं लाडलो। ठीक है, आज आप अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करा सकते हो, विजिटिंग कर सकते हो हमारे अकेडमी में। चलिए देखिए दोस्तों, ये कुछ पिक्स है, आप सभी ने देखा होगा, ये जो आपको दिख रही है इस कंडीशन में आपको आर्मी के मेडिकल, एस एस जी डी के मेडिकल और दिल्ली पुलिस मेडिकल किसी भी मेडिकल में आपको बाहर कर देंगे। अगर आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको फोर्स की तैयारी नहीं करनी है। यहां पर देखो इस बच्चे का यहां से उठ रखा है, एक ये जो उंगली है इसकी यहां से थोड़ी सी टेढ़ी है। दोस्तों मैं बता दूं एस एस सी जी डी आरपीएफ कॉन्स्टेबल में यह बच्चा फिट हो जाएगा, इन दोनों मेडिकल में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आर्मी के मेडिकल में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी इसके कारण नहीं इस फिंगर के कारण हो सकती है। अगर आपकी भी ऐसी फिंगर है तो आप एस एस जी डी और आरपीएफ की दिल खोल के तैयारी करिए, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। उसके बाद में देख लीजिए इस बच्चे की फिंगर्स के बीच में यहां पर एक गैप देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो इसके बीच में एक उंगली जितना गैप है। तो लाडलो इस कंडीशन में आर्मी के मेडिकल में 100% ये फेल हो जाएगा, लेकिन एस एस सी जी डी और आरपीएफ कॉन्स्टेबल के मेडिकल में पास हो जाएगा। यहां पर देखिए इस बच्चे के जो फिंगर है इसमें कितनी प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में अगर आपकी भी ऐसा है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखें, इसका कोई इलाज कराने पॉसिबल नहीं है। चलिए जी आगे, ये देखो पैर की जो उंगलियां हैं इस बच्चे की इस प्रकार से हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप एस एस सी जी डी आपकी भी अगर इस प्रकार के एस एस सी जी डी या आर्मी की इसकी तैयारी करो, आरपीएफ कॉन्स्टेबल या दिल्ली पुलिस की या स्टेट पुलिस की किसी भी वैकेंसी की, तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, आर्मी के मेडिकल में आपको पॉइंट मिल सकता है। ये देखिए इस बच्चे की जो उंगलियां कुछ मोटी हो रखी है, ठीक है, कुछ उंगलियां मोटी हो रखी है, जबकि मेडिकली ये बच्चा फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस कंडीशन में आपको मेडिकली बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप कोई सी वैकेंसी की तैयारी ना करें फोर्स की। इस कंडीशन में देखिए ये पॉइंट आर्मी के मेडिकल में सीधा बाहर है, एस एस जी डी मेडिकल में भी आपको पॉइंट 100% मिल सकता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम, अगर आप इसको डॉक्टरी से ठीक करा सकते हो तो जरूर करा लीजिए दोस्तों, बाकी इसके फिंगर्स में नेल्स नहीं होने के कारण इसको पॉइंट पक्का मिल सकता है। अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप फोर्स के बजाय और किसी चीज की तैयारी करिए लाड लो, ऐसा पॉइंट बनता ही बनता है। इसके बाद देख लीजिए इस बच्चे की जो उंगलियों की जो नसें हैं वो बाहर उठ रखी है, इस कंडीशन में कोई मेडिकली पॉइंट नहीं होता लाड लो, ये नॉर्मल सी है। कईयों के बच्चों की जो नसें हैं पैर की पतला होने के कारण भी दिखती, ये मेडिकली पॉइंट है। अगर आपकी भी ऐसी फिंगर है तो आपको फोर्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए ये भी सेम उसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर इसका कोई इलाज आप करा सकते हो करा लीजिए, नहीं तो आप अन्यथा मेडिकली अनफिट है लाड लो। ये फिंगर अगर आपकी भी ऐसी फिंगर अटैच है, ठीक है, देखिए ये जो लास्ट की जो फिंगर है ये छोटी बड़ी होती रहती है, सभी की प्रॉब्लम होती है, कईयों की छोटी हो जाती है, कईयों की बड़ी हो जाती है, कईयों का नाक यहाँ का नेल छोटा बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, इस कंडीशन में आप मेडिकली फिट हो जाओगे लाड, ठीक है, इस कंडीशन में मेडिकली फिट हो जाओगे। अब और देखिए इस अगर आपके भी ऐसे उठ रखा है यहाँ से देखो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेडिकली पास है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी में जाओ, आर्मी में भी आप पास हो जाओगे, ये कंडीशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस कंडीशन में भी आप मेडिकली फिट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक उंगली हल्की सी दूसरी उंगली के ऊपर चढ़ रही है, आर्मी में तो आपको डायरेक्ट बार कर देंगे या मेडिकल पॉइंट 100% है, लेकिन एस एस सी जी डी और आरपीएफ कॉन्स्टेबल में आपका काम बन सकता है लाड लो, अगर आपको भी कोई ऐसी परेशानी है तो। तो ये मैंने कुछ उंगलियों की पिक्स आपके सामने रखी है, अगर आपकी भी इनमें से कैसी है या आपकी कुछ और डिफरेंस है तो आप मुझे हेल्पलाइन नंबर, जो मेरा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे मैंने बताया था शुरुआत में कि आप एडमिशन ले सकते हो, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी फोटो भेज सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो नंबर है
इस पे 9588106 08 इस पे आप व्हाट्सएप पे मेरे को अपनी इमेज भेज सकते हो कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम की, और नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो दोस्तों, उसके बारे में जान सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम है या नहीं। साथ में बता दूं अगर आप हमारे साथ में ऑफलाइन अकेडमी में आके आवासीय कोचिंग में आके तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, वेलकम आप सभी का, और इसके लिए आप कॉल कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। जय हिंद, जय भारत।